हेलो एवरी वन वेलकम टू एन प्लेटफॉर्म सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट हेट क्राइम हेट क्राइम के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में अभी जजमेंट दिया है अगेंस्ट द मेघालय कोर्ट तो वो क्या जजमेंट है वो है पढ़ना है एंड बिफोर दिस आई वाइट ट इंटरव्यू अकेमीडीम प्लेटॉर्म अकेेडीम इज इंडिया लार्ज एजुकेशनफॉर्म प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन विच यू विल गु गाइड लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट इनक्वाइज अनु द एंड स्ट्रचर कोर्स there are 100 plus top educators on an academy platform my name is tarikesh aur jain i am teaching you psir current affair history and polity section this is my achievement this is my qualifications and this is my telegram channel hai jahan se pdf download kar sakte hain upsc cse mega subscription offer abhi chalu hua hai वो आपके लिए extended one year अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन वैलिड देता है 2022 तक आपको यहाँ पर code apply करना है Code है अपना टी जे और यहाँ पर आपके लिए 31 अगर आप 31 मार्च से ये आप खरीदेंगे उससे पहले तो यू विल गोइंग टू गेट इट फॉर थर्टी फर्स्ट जुलाई दो हजार बाईस मतलब एक तीन महीने का आपको क्या है एक्सटेंशन पीरियड यहाँ पर मिलता है कॉम्प्रेंसि सिलेबस प्लान है प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान है टीजेएल आई वी जब आप कोड अप्लाई करोगे तो आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक प्लस दो प्लान होते हैं ऑप्शनल के प्लान अपने सत्ताईस हजार पाँच सौ रुपए का है वो आपके लिए चौबीस हजार सात सौ पचास रुपए का पड़ता है यहाँ पर भी आपको टीजे एल आई वी कोड अप्लाई करना है जीएस में ऑप्शनल प्लस जीएस कॉम्बो भी मिलता है यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं जो आपके लिए तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू पैनल में मेंटोर में जो आपकी डेफ एनालिसिस इंटरव्यू एक्सपर्ट्स ट्रेंड बाय एक्सपर्ट्स सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है इम्पल्स एंड राइज करके जो दो टेस्ट सीरीज हैं टीजेलाइ भी यहाँ पर आप कोड अप्लाई करेंगे वन ईयर टू ईयर एन सी भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगल बेसिस पे एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हो गया? तो so, देखिए ने अभी एक hate crime problem के लिए क्या है? एक प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए सीनियर जर्नलिस्ट तो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे इन्होंने क्या किया था इन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया तो वो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनल वायलेंस तो वो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनल वायलेंस तो जो था मगर उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो लोअर हाई कोर्ट थे लोअर हाई कोर्ट में जैसे हम बात करते हैं तो वो थे हमारा मेघालय का हाई कोर्ट तो मेघालय के हाई कोर्ट ने उस चीज़ को कंसिडर किया कि वो आता है हेड स्पीच में मगर सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन गाइडलाइंस भी दिए कि वो जो है वो वो जो किया गया था वो सोशल मीडिया पे, वो पटिशनर ने किया था और वो कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ था ना कि कोई भी एक इनिशिएशन अगेंस्ट हेड क्राइम नहीं था आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हेट क्राइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या है सरकारें संवेदन में दिख रही हैं और आपने देखा भी होगा कि चाहे वो कोई भी एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल हारमोनी है जैसे कि दिल्ली राइड्स जो हुए थे अभी फरवरी में तो फरवरी में हेट क्राइम की वजह से हुए थे फेसबुक है व्हाट्सएप है दे बिकेम द मीडियम फॉर द जनरेशन ऑफ दिस हेट क्राइम है ना तो ये जो डिसीजन था ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो है अगेंस्ट द मेघालय हाईकोर्ट क्योंकि वो वहां पर कॉज कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रोसीडिंग और यहाँ पर है सेक्शन 1538 जो कि हेट स्पीच में आता है और सेक्शन 500 जो होता है डिफेमेशन में एंड सेक्शन 505 सी जो कि इनसाइड ए कम्युनिटी और कास्ट टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अनदर ऑफ द आईपीसी तो ये जो तीनों सेक्शन है 153 ए 500 और 505 सी ये जो तीनों सेक्शन है से, तीनों सेक्शन बताते हैं डिफेमेशन हेट और इंसाइड टू वायलेंस के लिए कानून और ये क्या है ए ए तो 153A बोलता है कि किसी भी इंसान को पनिशमेंट दिया जाएगा पांच साल से ज्यादा का अगर वो हेट क्राइम को प्रमोट करेगा जिसमें अगर रिलीजियस हारमोनी रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस को लेकर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला तो उसको पांच साल से ज्यादा की जो सजा सुनाई जाएगी और ये अंडर आईपीसी पी मेंशन किया गया है सेक्शन 505 सी है अब ये क्या बोलता है तो विथ इंसाइट इंटेंट टू इंसाइट यहाँ पर क्या है कि थ्री ईयर का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया मतलब तीन साल की सजा जो है वो यहाँ पर सुनाई जाएगी और इसमें भी क्या है कि अगर किसी क्लास कम्युनिटी के अगेंस्ट में किसी ने क्या है हेट क्राइम करने की कोशिश की होगी हेट क्राइम होता क्या है तो हेट क्राइम एक ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो कि बायज होती है बायस देखिए हमारे यहाँ पे रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमने क्या बोला है फंडामेंटल राइट्स में कि हम किसी के भी खिलाफ इनइक्वालिटी नहीं करेंगे डीपीएसपी का मकसद क्या है हमारे यहाँ पे कि डीपीएसपी इक्वालिटी को मेंटेन करेगा इन इक्वालिटी को दूर करेगा अब हेट क्राइम क्या है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज या वो क्रिमिनल एक्ट है जो कि बायस होते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंसेस यहाँ पर मेजरली रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कस्टम्स के कारण हेट क्राइम जो है वो प्रमोट होते हैं आपने सुना होगा कि नेहरू जी के लिए काफी लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी वो आ, टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं कि अगर उधर पे वल्लभ भाई पटेल होते तो ज्यादा अच्छे से हमारा देश राज कर पाता इस तरीके के क्या है काफी सारे आपको प्रॉब्लम्स या फिर न्यूज देखने को मिलेगा वो न्यूज ऑथेंटिकेटेड नहीं होते कई बार आपने दिल्ली दंगों में सुना होगा कि मुस्लिम इतने मर गए हिंदू इतने मर गए और ये हो गया वो हो गया बट एक्चुअली में जेन्यूनली आपको नहीं पता कि रियल लाइफ सिनेरियो हुए क्या थे क्या नहीं था वो सब चीजें किसका काम है पुलिस का काम है नाउ जो मीडिया है वो पुलिस बनने की कोशिश कर रही है और पुलिस जो है वो जज बनने की कोशिश कर रही में, जो है, हेट का, वो बढ़ गया लोगों ने मार दिया उसको हत्या कर दी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ऑफेंसिव स्पीचेस दे दी अभी जो है वो ऑफेंसिव स्पीचेस लिंचिंग डिस्क्रिमिनेशन से आगे बढ़कर यहां पर इंसल्ट करना बदनामी करना डेरोगेटरी या फिर इंसाइट या फिर वॉयलेंस क्रिएट करना केवल एक आदमी को नहीं अब पूरे समाज को बदनाम करने की यहां पर क्या है कोशिश की जाती है इन टोटेलिटी जो हेड क्राइम है वो एक अटैक है अटैक ऑन ए पर्सन राइट जो कि उनको दिए गए हैं अफेक्टिंग नॉट ओनली हिम बट सोशल स्ट्रक्चर एज ए होल है ना तो इसमें क्या है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन ग्राउंड क्या देखने को मिलता है वो है रेस एथनेसिटी रिलीजन और क्लास हेट क्राइम अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो हेट क्राइम है वो अगेंस्ट मोस्टली क्या होता है अगेंस्ट कम्युनिटी एट लार्ज होता है और इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा हेट क्राइम देखने को नहीं मिलते हैं एंड हार्म डन एज ए रिजल्ट ऑफ हेट स्पीच इंडिया में जो है हेट स्पीच वो प्रोहिबिटेड है एंड बेस्ड ऑन रिलीजियन एथेनिसिटी कल्चर और रेस हमारे आर्टिकल है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट में जिसमें राइट टू प्रोफेस रिलीजियन है

वन फिफ्टी थ्री बी टू फाइव ए ये सब क्या है आईपीसी की धाराएं हैं याद रखने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखिए कि रिलीजन इथनेसिटी कल्चर लैंग्वेज रीजन कास्ट कम्युनिटी रेस के, के बेसिस पे अगर किसी ने क्या किया डिसहार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करी तो ये जो है हमारे यहाँ पे धाराएं लगा जा सकती हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है आईटी एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है तो ये सारे एक्ट जो है वो हमारे यहाँ हेट क्राइम को देखकर बनाए गए तो एट द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक हेट क्राइम जो है वो अभी बहुत न्यूज में चलता है जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर टू जो है गवर्नेंस का पार्ट है सोसाइटी का पार्ट जीएस पेपर वन है ऐसे है ये सब जगह पे आपको ये जो टॉपिक है वो काफी हेल्पफुल करेगा एट द एंड टीजे इज माय कोड यू कैन अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट तारकेश्वर जैन पी एस आई इज माई टेलीग्राम चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आता रहा सो थैंक यू सो मच